ओम शांति। मुरली में आने वाली कहावत, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात ईश्वरीय महावाक्य सुनकर उसे ग्रहण करने की जिज्ञासा रखने वाला, धारण करने की जिज्ञासा रखने वाला और वैसा पुरुषार्थ करके वैसा बनने वाला, वही अर्जुन कहलाता है। भगवान के महावाक्य तो कौरवों को भी सुनने को मिला था, लेकिन उन्होंने अमल में नहीं लाया, उपहास उड़ा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। चंद मुट्ठी भर आत्माएं ही ईश्वरीय महावाक्य को समझकर जीवन में लाती है। हम सभी भी देखें, ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, लेकिन मुझे जीवन में लाना है, बाबा मुझे कह रहे करने के लिए, मुझे मोल्ड होना है, मुझे योग की अच्छी अपनी रूटीन बनानी है, मुझे गुणों की धारणा करनी है, जिस भी प्रकार की सेवा बाबा कहते हैं, ज्ञान की सेवा, चाहे स्थूल सेवा, चाहे तन मन धन की सेवा, मुझे करना है, कोई करे या ना करे। कई बच्चे सोचते हैं बाबा ने तो सबके लिए कहा है, इतने हैंड्स है, इतने बच्चे हैं, कोई तो कर ही रहा होगा। नहीं, कोई करे या ना करे, मुझे करना है। सभी नंबर वार है, कोई राइट हैंड है, कोई लेफ्ट हैंड है, मुझे करना है। तो अर्जुन वही कहलाएगा ऐसी भावना रखने वाला, और वही भगवान को प्रिय है। शिव बाबा के प्रिय बनना है, किसी और को न देखकर अपने को आगे बढ़ाएं। ओम शांति।